दोस्तों ये वीडियो उन्होंने लई हैगी जिन्हां दे घर दे विच कोई ना कोई बीमार रहिंदा गा। हर वक्त कोई ना कोई बीमारी बड़ी रहिंदी हैगी। कदे कुछ देखिया गया कि भी हर एक साल किसी दे सैल घटदे रहिंदे नेगे और उन्होंने टाइफाइड बनिया रहिंदा गा। हर दिन बीमारी नवी तो नवी हर एक नूं लगदी रहिंदी है घर दे विच। अगर जे तुसीं बीमारी कढ़ना चाहुंदे होगे ये वीडियो नूं सिरे तक देखियो और सिरे तक इहदे वरतण दी विधि तुसीं सिर्फ एक चीज़ घर दे विच लैके आनी हैगी। बद नहीं कहिंदा हैगा कुछ नहीं घर दे विचों हटाउणा। अपने किचन दे विच एक चीज़ लै आवो उहदे नाल तुहाडी आयरन डैफिशेंसी खून की कमी ते अगर उम्र तो पहला तुहाडे सिर दे विच धौले आउंदे नेगे ओह हर एक बीमारी नूं कंट्रोल करन दे विच बहुत वड्डा एंटीबायोटिक तैयार हुंदा हैगा। ओह की चीज़ हैगी और इस वीडियो नूं जल्दी कट्टण तों पहलां बस ओह सिरे तक देखियो भी उन चीज़ नूं हैगी तां हर एक दे घर दे विच बरतना किवें आ, किस तरह बरतना, यूज किवें करना गा। कई लोग उस दे एक थोड़े प्रॉब्लम दी वजह करके उन्हूं सुट दिंदे ने कि मैं देखिया भी घरां दे विच रुलदी फिरदी हैगी। लेकिन बहुत सारे घरां दे विच ओह आम चीज़ पई हैगी जिहड़ी तुसीं वरत नहीं रहे और बहुत ही लाहेवंद आ। आओ मैं तुहानूं उहदे बारे दस्सदा गा। बाटा सर्व लो ये हुण वीडियो कट्टे होना इहनूं वरतण दी विधि जरूर देख लियो भी किस तरह वरतना गा। इहनूं लोक देख रहे नेगे भी इहदे विच जंग लग जांदी हैगी। इही असली मेडिसिन हैगी तुहाडी आ चीज़ जो इहदे विच जंग हैगी है ना, इही असली मेडिसिन हैगी। सर्व लो ये लो हैगा तुसीं ये डायरैक्ट पीणा गा। ते वरतना किस तरह इहनूं, इहदे विच ही तुसीं खाणा तैयार करना गा। ओह फ्राई व्हील वड्डा पिया लिआंदा ते उहदे विच ही खाणा बणदा गा। देखिआ गया कि वी लेडीज़ कहि दिंदियां नेगियां वी दाल सब्जी है जिहड़ी काली बण जांदी हैगी उही असली चीज़ हैगी। कालसा जिहड़ी ओह लोह हैगा असली लोह सर्व लोह। एक तां डॉक्टर दिंदे ने आयरन डैफिशेंसी दूर करन वास्ते ने, जिहड़े आयरन दे कैप्सूल दे दिंदे ने खून की कमी नूं दूर करन वास्ते। उहनां विच लोह भस्म पाई हुंदी आ और कुछ नहीं हुंदा हैगा। इह डायरैक्ट लोह आ बगैर लोह भस्म तों। इह साडे गुरुआं ने बहुत साल पहला ही ये आपां नूं मेडिसिन वगैरह दस दित्तियां सीगियां। जिस तरह हैलमेट दे दित्ता सीगा दुमाला साहब उहनूं होर स्ट्रोंग बना सके उहदे उत्ते कड़े दे दित्ते सीगे, इसे तरह ही ये मेडिसिन दित्ती है। सर्ब लोह दे वाटे दे विच प्रसादा पाणी सकना इहदी इन्नी क शक्तिवान चीज़ बन जांदी है कि इहदे विच सकण वाला कोई भी प्राणी जो भी प्रसादा पाणी सकदा गा इन्ना क स्ट्रोंग बन जांदा गा ते उहदियां हड्डियां जोड़ां दी ताकत। हड्डियां दे विच वैसे कैल्शियम हुंदा गा लेकिन जिहड़ी जोड़ां दी स्किन दी ताकत हुंदी है कि चमड़ी दी ताकत हुंदी है कि ओह आयरन दी नाल ही बणदी है कि शरीर दे विकास दे विच आयरन दी बहुत ज्यादा लोड़ हुंदी है कि जो कि आपां नूं इह डायरैक्ट दे रिहा गा। अज कल दे विच देखिआ गया गा बई जिहड़े घर दे विच फिल्टर लगे हुए नेगे ओह तुहानूं आयरन ते कैल्शियम तों बहुत दूर लै जांदे नेगे। फिल्टर करके पानी दे विचों आयरन ते कैल्शियम आपां काफ़ी दूर कढ के सुट दिंदे हैगे, बिल्कुल फोका पानी पींदे नेगे। आयरन डैफिशेंसी हो जाती हैगी ते उहदे नाल आपां नूं अनेक रोग लग जांदे ने। छोटे बच्चों के विकास के विच बहुत दिक्कत पैंदी हैगी। इहनूं हमेशा रात पानी इहदे विच पा के ही रखो। जदों भी पीणा गा जिन्ना घट गया उहदे विच होर पा लो। थोड़े एक जां दो दिनां बाद इहनूं सुक भरूरा करना गा, मतलब ब्रेती नाल मांजना जां तुहाडे घर दे विच सवा आपणे पिंडां दे विच सवा पई हुंदी है सवा नाल मांजना गा। और इह ना कहो वी इहदे विच जंगाल आ, जिहड़ी जंगाल आ गी उही असली मेडिसिन आ गी। इहदे नाल सब्जियां वी कालियां होणगियां, इहदे नाल तुसीं लास्ट बुरकी जदों घसाओगे खाणा खांदे समें ओह बुरकी वी काली हो जूगी और जिहड़ी तुहाडी सेहत लई बहुत ही फायदेमंद आ गी। इस नूं इह ना कहो वी इह भांडे नूं जंगाल पैंदी है गी, इही असली चीज़ आ जो ये जंगाल हैगी। इहनूं सुट्टण दी जरूरत नहीं। लोकां ने इहनां नूं खुंजां दे विच सुट्टिआ पिआ कि घर दे विच बहुत सारे पए नेगे भांडे जिहड़े सर्व लोह दे नेगे। बाटा बहुत ही मेरे दोस्त ने मैनूं गिफ्ट दित्ता कि मेरे कोल पहलां ही पए सीगे। इस दे नाल ही तांबे दी कड़सी रखी हुई हैगी मेरे घर दे विच। इह चीज़ां ऐड ला कर लो, आपां कुदरत तों दूर हो चुके हैंगे। घर दे विच फिल्टर आ गए ने, चमकणे चमचे आ गए नेगे, फुल बूटियां वाले स्टील दे, तांबे दे, स्टील दे सॉरी, ते अपने सिल्वर दे, ओ निरी जहर हैगी। कैंसर तक दियां बीमारियां नूं घोषित कर दिता वी ओह कैंसर दियां बीमारियां तक नूं वी घर दे विच लै आए नेगे। अगर किसी ने भी घर दे विचों बीमारी कढ़णी हैगी दोस्तों
यह बहुत ही वधिया चीज़ हैगी। इसनों घर दे विच यूज करते रहना चाहिए गा, वरतते रहना चाहिए गा, और हर एक घर दे विच जिहदे विच इह हैगा गा तां उहनूं यूज करो। खाना भी इहदे विच खाओ, प्रसादा पानी सब कुछ इहदे नाल ही मतलब वरतो। तो चमचा भी लोहे का लोग लिया के घर रखने लग गए हैं, जिन्होंने ये चीज़ का पता लग गया। हर एक गुरुद्वार के मुरु निहंग सिंह इन्हों बेच रहे हैं, जितों भी मिलता तो लिया के अपने घर यूज करो। ये कोई भी घर के बीमारी नहीं हो, बहुत बीमारियां टुटन गिया, तो लिवर दियां बीमारियां दूर हो इस पैलेस की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम तक दूर हो, अंतड़िया की हर तरह की बीमारी हो। तो देखा गया भी पीड़िए जोड़े आम पीड़िए हो जाते हैं शरीर में, तो वह भी दूर हो जाते हैं। इस बहुत ही फायदेमंद है जी, तो यू हमेशा वरतते रहना चाहिए गा। यू वरतन की सिर्फ यही विधि है कि भी तुम इनू सुख भरूरा करते रहना चाहिए, इनू बिम नाल नहीं मांजना है, इनू रेते दे नाल मांजना है, बिम यूज नहीं करना है। तो घर का सिंक तो इनू घट ही चाहिए गा, डायरैक्ट यह देखो ये जंगालिया है पानी है, यही फायदेमंद है, यह सीधा लो है। यह देखो यही असली मेडिसन है, तो यू कदे भी छुट्टना नहीं चाहिए गा। कई लोग कहते हैं भी यह चंगार लग जाती होंगी है, तो यह बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि दोस्त इनू वरतते रहना चाहिए गा। अगर जे इस वीडियो के मैं कुछ होर ऐड करना चाहे तो मैं होर भी ऐड करूँगा, तो वीडियो थोड़ी जी लंबी जरूर होगी, तो इसनों अगे भी जरूर देखते रहना गा। थोड़ा स्टॉप कर दो, इस दे नाल बीमारियों की गिनती सुन लो किनिया क दूर होणगियां। जिन्हां दे गिट्टियां ते सोजस रहिंदी हैगी, पेट के अंदर सोजस रहिंदी हैगी, अंतड़ियां का रोग बनिया रहिंदा गा, पीलिया रहिंदा गा, काला पीलिए दे नाल लिवर इफेक्ट हो चुका गा, उहनूं भी कंट्रोल करूगी। लोड तो पहलां बाल चिट्टे हो चुके ने, मूँह पीला पै चुका गया, शरीर के खून की कमी आ गई, अखा के लाली खत्म हो चुकी हैगी, नाव चिट्टे पै चुके हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे। गर्मी बहुत सी, बहुत लेट आएंगे नेरे हुए, ता कि मेरा दिन के कैमरामैन आ जरा यह स्कूल वग जाता गा, तो हूँ आके मैं वीडियो बनाने की जरूरत पी हैगी। गर्मी बहुत आ, पखे की आवाज़ बच्चा आँदी सी, पखे भी बंद किए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम आ गई, तो यू शेयर कर दौ तुहाडे रिश्तेदारां नूं, तुहाडे मित्रां दोस्तां नूं जरूर दस दौ। तो आ देखो मैं तुहानूं दिखाउणा एक तजर्बा होर, दुध पाओ, दुध सिर्फ 5-4 मिनट पाउण नाल ही, गर्म गर्म दुध पाओ, तो यह देखो ये जदी अपनी जंग छड्ड दिंदा गा, जो कि एक मेडिसिन हैगी। बच्चों इस तरह का दुध पिलाओ, ये पा के जे होर स्ट्रोंग करना, ये सोने की मुंदरी उबाल के छिट दो, है ना, उबलते दुध में वह होर सोना भसम हो जूगा ऐड, ठीक है ना। जिन्ह के बाल ज़्यादा चिट्टे हो चुके ने गे उम्र तो पहला, एक निर्णय काल जी सरों के तेल की कुरली कर लिया करो, इस दे नाल नाल ये भी करते रहो, खाते पीते रहो इस बाटे दे नाल, ते सरों के तेल की कुरली कर लिया करो निर्णय काल जी, खाली पेट कुरली भर ली, 10-15 सेकेंट 30 सेकेंट मूँह दे विच इस तरह करते रहना गा, जिस तरह आप मूँह दे विच पानी नूं हलाने हुंदे आ गे, उस तरह करके तो उन्हों वेस्ट कर दो। हर रोज़ एक कुरली कर लिया करो, एक मिनट की कर लो तो बहुत ज़्यादा वधिया गा, सरों के तेल की कुरली एक मिनट कर लो तो बहुत वधिया। तो आ देखो ये नीचे कालस बन चुकी है, देखो आ साइडां ते सारी यह जंग आ चुकी हैगी। इस तरह का दुध तैयार करके तुसीं पीते रहो, बहुत ही फायदेमंद चीज़ हैगी, कोई भी 1% भी नुकसान नहीं हैगा। ये डायरैक्ट लो आ जिहड़ा आपने फिल्टर राही, फिल्टर पानी दी बोतलों राही शरीर तो दूर करता, कुदरत तो दूर हो गए आपां, कुदरत तो दूर हो के वधिया चमचे चमकने चमचे लै ले स्टीलां दे जैलमीनियम दे, जां फिल्टर दीयां बोतलां लै लईआं पानी दीयां जिन्हां दे विच आयरन ना कैल्शियम कुछ भी नहीं हुंदा, सिर्फ दावे लिखे हुंदे ने उत्ते भी आयरन आ कैलशियम आ होर पता नहीं की कुछ कैलरीज वगैरह लिखी होंगे ने, कख नहीं हुंदा हैगा।
यह चीज़ा घर वरतते रहो तुसी बहुत ही फायदेमंद चीज़ा ने गियाँ। सीधे देसी ढंग दे विच आ जावो, पिछोकड़ नूं पछाण लो अपने जिहड़ा तुसी भुल चुके हो, तो बहुत फायदेमंद रहोगे। लोगों धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।